वेरी वार्म वेलकम टू बीकेबी स्पेशल एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। वेल ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर ऑफ 14 बेस्ट सेलिंग बुक्स। उसके साथ साथ ही इज अ पब्लिक स्पीकर, ही इज एन एजुकेटर, उसके साथ साथ ही इज अ फाउंडर ऑफ NYK डेली, चेयरमैन भी है राइटर्स रेस्क्यू सेंटर के, काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं और जितना कहें उतना कम है। और उससे सबसे ज़्यादा ही इज़ अ मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम अगर लॉन्ग राइटिंग की बात की जाए। निखिल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। निखिल से मैं बहुत पहले से वाकिफ, मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बट आई हैव सीन यू ग्रोन इतना अच्छा, इतना फैंटास्टिकली। लेकिन निखिल, मैं आपको उस जमाने में ले जाऊंगी व्हेन यू वर जस्ट 17 एंड 18 एंड यू रोट योर फर्स्ट बुक। यस। कैसे शुरुआत हुई सारी चीजों की? अपन 11 साल बाद मिल रहे हैं एक्चुअली, मीटिंग आफ्टर 11 इयर्स। यस। सो लाइफ में ऐसा होता है कि व्हेन यू आर अलोन ना, आप जब अकेले रहते हैं तो आपको कुछ चीजें शेयर करनी होती है, बट यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, बात करने के लिए कोई लोग नहीं है आसपास। सो दैट्स वेयर लोगों का अलग अलग पैशन आता है लाइफ में। किसी का फोटोग्राफी आता है, किसी का पोइट्री आता है, मेरा आ गया लिखना। एंड दैट्स वेयर आई पिक्ड अप अ पेन, लिखना स्टार्ट किया। छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखता था यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता था पहले, जो मैगजीन्स आती थी यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे करके देन आई थॉट कि चलो इसको एक शेप देते हैं। धीरे धीरे किताब बन गई। किताब बनने के बाद मैंने काफी सारे पब्लिशर्स को मैंने मेल किया, उनको भेजा मैंने किताब अपनी, एंड देन वन ऑफ द पर्सन पिक्ड इट अप एंड पहला किताब पब्लिश हुआ। निखिल की जर्नी बहुत फैंटास्टिक रही है, फ्रॉम बीइंग एन ऑथर, उसके बाद धीरे धीरे लिखते लिखते पब्लिक स्पीकिंग, एजुकेट करना लोगों को, विच इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद पर अब ये जो जो इंस्टाग्राम पर लिखते हैं ना, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। आज मैं एक बहुत बहुत अच्छे मुद्दे के साथ इनके साथ बात करने वाली हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो आखिर गवर्नमेंट से चाहती क्या है। बिकॉज देयर इज अ टाइम, अभी एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर गवर्नमेंट से जो यूथ है वो जुड़ रही है। एक टाइम था जहाँ इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था, लेकिन अब यूथ भी गवर्नमेंट के साथ जुड़कर बहुत सी चीजें करना चाहती है। तो एग्जैक्टली यूथ गवर्नमेंट से क्या चाहती है? कई बार अपनी आवाज उठाती है, कई बार अपने हक के लिए बात करती है, लेकिन एग्जैक्टली अब चाहते क्या है, इस मुद्दे पे हम निखिल से बात करें। लेकिन निखिल की जर्नी सबसे पहले जान लें। निखिल, राइटिंग जब शुरू की उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग और ये सारी चीजें, किस तरह की रही जर्नी आपकी? मैं तो लिखता था घर पे अकेला बैठ के, धीरे धीरे आर्टिकल्स लिख रहा था, और फिर ईमेल आने लग गए कि आप आइए बोलिए। अब बोलना तो आता नहीं था, दोस्त थे नहीं आसपास। तो पहला एक्सपीरियंस जो था वो फर्स्ट टाइम मैं स्टेज में गया था, फर्स्ट टाइम आई वाज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो बहुत गंदा गया था वो। एंड आई अंडरस्टूड कि क्राउड वाज लीस्ट इंटरेस्टेड एंड एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी, इट बॉम्ब पूरा। अच्छा। एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड लर्निंग, आईने के सामने बैठा, बोलना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। एंड मैंने रियलाइज किया कि काफी सारे ऐसे यंगस्टर्स है, इनको सक्सेस स्टोरी का कोई मतलब, इनको मैटर नहीं करता आप कितने सक्सेसफुल हो, कितने बड़े हो, वो लोगों को ओवरवेलम करके कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए कि कोई इनको जो गाइड करे, इनको जो गाइडेंस दे, इनको जो डायरेक्शन दिखाए। तो वही चीज के लिए फिर मैंने वो टॉपिक पकड़ा। एंड राइटिंग एक ऐसा फील्ड है इसमें कोई डिग्री नहीं है, एंड इसके अलावा कोई एडुकेशन नहीं है, एंड देयर इज नो मेंटर इन राइटिंग। सो वहाँ पे एज अ पब्लिक स्पीकर मैं एज अ मेंटर बनना स्टार्ट किया। ये एक अपॉर्चुनिटी है निखिल, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर माई कॉलेज डेज व्हेन मुझे बहुत कुछ करना था बट मुझे किक नहीं मिलती थी। एंड उस समय सिबलिंग्स के अलावा ये सारी चीजें नहीं होती थी, कोई मोटिवेटर नहीं होता था, कोई पब्लिक स्पीकर नहीं होता था, किसी के सेशंस नहीं होते थे। एंड उस समय हम बहुत कंफ्यूज और वहां पर तो ऑप्शंस भी कम थे। अब तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब तो इंडिया इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ। यस यस, हर फील्ड में लोग हैं, हर फील्ड में मेंटर है, जो हेल्प चाहिए हर जगह मिल जाएगी। बस वो अंदर से वो इंटरेस्ट आना जरूरी है, वो आग आनी बहुत जरूरी है, वो आ जाती है आजकल क्योंकि इतना लोगों को दिख रहा है। आई एग्री, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंजीनियरिंग कर रहे थे आप, राइट? हां, छोड़ सारे इंजीनियर्स क्यों अपनी राह छोड़कर कुछ और करते हैं? अभी नो ऑफेंस प्लीज। अब किताब खोला था इंजीनियरिंग की, फर्स्ट टाइम जब मैंने नेटवर्क थ्योरी एक सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैंने लिया था उसकी, मैंने किताब खोला था, देन आई रियलाइज किया ये तो मेरे लिए नहीं है। ओके, बाहर दिख रहा है मुझे अच्छा, एक लेक है, इतना प्यारा ग्रीन है, वो कैंपस काफी ग्रीन था, तो मेरा फोकस वो था कि वहाँ बाहर जाओ, पेन लो, पेपर लो, लिखना स्टार्ट करो। राइटर के लिए वो सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पीसफुल माइंड होना चाहिए क्योंकि थॉट्स इतने होते हैं और उसे पेन डाउन करना इज सच अ ब्यूटीफुल टास्क एंड इट इज डिफिकल्ट एज वेल। निखिल, ये जो NYK है डेली, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सो वी आर रनिंग अ मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है,
एंड यहाँ पे हम ग्लोबल न्यूज पब्लिश कर रहे हैं. सो हमने क्या किया है कि हर कॉन्टिनेंट से दो जर्नलिस्ट को हमने पिकअप किया फ्रॉम ऑल सिक्स कॉन्टिनेंट्स. एंड दीज 12 जर्नलिस्ट आर कवरिंग अनबायस्ड न्यूज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो अब इंडिया में अगर हम बैठे हैं, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन क्यूबा. हमको पहले नहीं पता था हमको कि यूक्रेन में क्या चल रहा था. तो वो सारी न्यूज जो है हम लोग लोगों को सर्व कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द रीडरशिप फॉर अस इज कमिंग फ्रॉम यूएस. इंडिया के इतने रीडर्स है नहीं. तो फोकस पूरा वही है कि वेस्ट रीडर्स को इंडिया का न्यूज देना है और इंडिया को बाहर का न्यूज देना है. एंड कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जैसे मैंने देखा. आप इतने अच्छे राइटर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अभी. सो जितने लोगों को मैंने मेंटर किया था सबको उठा के मैंने राइटर बना दिया अपने. क्योंकि राइटिंग इज सच अ ब्यूटीफुल येट डिफिकल्ट टास्क. आजकल की जनरेशन पेन डाउन बहुत करती है. अब तो इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ब्लॉगिंग इतना आ गया है. एंड देयर इज सो मच स्कोप इन दिस. सो व्हाट डू थिंक, यूथ आ रहा है इस तरफ? यूथ आ रहा है, बट इसमें क्या होता है काफी सारे यूथ इज लॉस्ट इन द शफल. तो अब क्या होता है कि इंस्टाग्राम में मैं देखता हूँ मेरे से काफी अच्छे राइटर्स है जिनको उतना बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है, उतने रीडर्स नहीं मिल रहे हैं. काफी यंग, काफी अच्छे राइटर्स जिनको बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है. सो वही लोगों के लिए हमने इनवाइट के रख दिया कि अगर आपको लिखना है, अगर आपको अपने ओपिनियंस भी शेयर करना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, लिखिए एंड वहां से हम आपको रीडर्स देंगे. ओके, अब तो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं लोगों के, लेकिन फिर भी यूथ एक स्टिल कंफ्यूजिंग वाले इसमें है कि एग्जैक्टली क्या करें, बिकॉज इतनी सारी चीजें होकर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. अपना सोशल मीडिया का एक नेगेटिव यही है कि सोशल मीडिया में अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, फिर स्क्रॉलिंग ऑफ सोशल मीडिया, तो आपको काफ़ी सारी अलग चीज़ें दिखते जाती है एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको अट्रैक्टिव दिख रही है, काफ़ी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग दिख रही है, काफ़ी करियर ऑप्शन आपको वहाँ पे पॉपअप कर रहे हैं. सो अगर अपन कहीं जाते हैं बूफे खाने, इफ दे हैव 70 डिफरेंट आइटम्स, वी आर अनेबल टू ईट एवरीथिंग एंड अपना मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड. We have so many options. So Instagram के कारण, social media के कारण इतने options आ गए हैं and वही चीज़ के कारण people are confused. और फिर कोई अगर field choose करते हैं, they give up too early. Yes. Youngsters give up too early within like 6 months, 1 year, 2 year. Then मैं काफी सारे writers को देखा हूँ, मेरे circle में है, मेरे juniors थे जिनको मैं mentor कर रहा था, 2 साल में sales पकड़ लिया. दो साल में, 1 साल में सेल्स पकड़ ले, क्योंकि पैसा उनको उधर दिख रहा है 1-2 साल में. बट राइटिंग ऐसा फील्ड है जिसको आपको ऐसा पैशनेटली स्लोली आपको ग्रो करना है, धीरे धीरे ग्रो करना है. एंड लाइक 10 साल लगेगा, 8 साल लगेगा, तब अच्छा करियर बनेगा. बट लोग पेशेंट नहीं है, एक दिन में 1 करोड़ कमाना है लोगों को, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. जल्दी चाहिए, बिकॉज मैं भी इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ. मैंने भी देखा है कि आप जब तक अपने पैशन को धीरे धीरे फॉलो करेंगे तब जाके आपको एक राह, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अच्छा. बट नाउ यूथ एक बहुत जल्दी सब कुछ चाहता है, सब कुछ जल्दी चाहता है. और दूसरा, काफी सारे लोगों के अगेन इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत बड़ा एक हाथ रहा है. लोगों को मैनिपुलेशन दिमाग में बहुत आ गया, क्योंकि लोगों की सक्सेस स्टोरी तो सबको पता है, स्ट्रगल किसी को नहीं पता. तो वो स्ट्रगल स्टोरी जब लोग बताते नहीं है, उसके से कारण लोग बस सक्सेस देखते हैं. ऐसे कारण एक दिन में इनको कुछ करना है, 2 दिन में कुछ करना है, इसी चीज के कारण लोग कंफ्यूज हो गए हैं और करियर ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे हैं. वेरी ट्रू. यूथ की हम बात करें और आज का जो मैंने मुद्दा कहा, पॉलिटिक्स एंड यूथ, ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो चाहिए तो सही. अभी यंगस्टर्स से चाहिए. इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ यूथ. यंगस्टर्स अभी काफ़ी इंटरेस्टेड भी है पॉलिटिक्स में. 22 साल की उम्र तक जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके बाद जब जॉब करते हैं दूसरी आइडियोलॉजी होती है. सो आइडियोलॉजी में लोग बढ़ चुके हैं अभी. स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता आइडियोलॉजी क्या है एक्चुअली. सो हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सेंटर लेफ्ट क्या है, सेंटर राइट क्या है, लिबरल्स क्या है, कंजर्वेटिव क्या है, इतने सारे जो आइडियोलॉजी से पढ़ाई नहीं जाती है लोगों का माइंड फिर बचपन से, क्योंकि ट्यून नहीं हुआ है रिगार्डिंग डिफरेंट ऑप्शन. तो एक ऑप्शन जो उनको दिख गया उसमें वो घुस जाते हैं यूथ. तो वही चीज के कारण यूथ जो है पॉलिटिकली अवेयर तो है, बट वो अपने बाकी ऑप्शंस देख नहीं पा रहा. बटा हुआ है बाकी ऑप्शंस भी देख नहीं पा रहा है वो. पॉलिटिक्स और यूथ, क्या लगता है कि आपको एक यूथ के आने से, क्योंकि अब तो आ रहा है, अब तो है भी, ठीक है, देयर इज अ स्कोप और इंटरेस्ट भी लिया जा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आगे जो ये गवर्नमेंट की जो इतनी सारी चीजें हैं वो यूथ से आसान होगी नहीं होगी? अब यूथ को वो सर्व करना पड़ेगा, यूथ को एक वे से सर्व करना पड़ेगा. सो इंस्टा पे भी, इंस्टाग्राम पे जब मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ थोड़े बहुत, इतने सिंपल वे से लिखता हूँ, इतने सिंपल वे से सर्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि यंगस्टर्स को वो समझ में आए. इनको वो
आपका शो ऑफ की लैंग्वेज नहीं चाहिए ये तो. इनको बहुत ज्यादा सिंपलीफाइड लैंग्वेज में कंटेंट चाहिए जिससे वो समझ पाए कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, ये पॉलिसी कौन सी आई है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की गलती क्या है, ये गवर्नमेंट ने अच्छा क्या काम किया है. तो वो चीज जो है इनको जितना इजी वे से आप सर्व करोगे एंड जितना अनबायस वे से सर्व करोगे उतना फिर ये जो है अट्रैक्ट होगा इधर. बट पॉलिटिक्स इतना इजी नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर जाते हैं ये नेता लोग कि इस वजह से जो यूथ है बहुत आवाज उठाने लगा है. क्या मुद्दे हैं? बिकॉज सिर्फ कुछ एक मुद्दे सुनाई देते हैं, जॉब्स हो गया, वुमेन प्रोटेक्शन हो गया. और यू थिंक कि चाहता क्या है एक यूथ गवर्नमेंट से? पहली बात तो यूथ का ऐसा है कि व्हाट आई फील कि एडिक्शन बहुत बढ़ गए हैं हर चीज में, फ्रॉम सोशल मीडिया टू स्मोकिंग. हर चीज के एडिक्शन इतने सारे बढ़ चुके हैं एंड यंगस्टर्स आर एडिक्टेड. आधे से ज्यादा यंगस्टर्स आप देखोगे बाहर, अगर जाओगे नागपुर में भी कोई अगर आप पान ठेला है वहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ है और आधे से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग पीपल वांट इज यू नो इस चीज से बाहर कैसे निकले. आई नो कि वो खुद से ही अंदर से बात आती है बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. एडिक्शन से ये काफी सारे लाइफ के उस चीज से बाहर निकलने के. ओके, किस तरह सिंपलीफाई किया जा सकता है? क्या सिंपलीफाई? अब अनबायस रहो, इन लोगों को दोस्त बनाओ. दोस्त बना के जो मैं कर रहा हूँ, काफी सारे यंग राइटर्स कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि कंटेंट इतने इजी वे से सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग समझे, लोग अंडरस्टैंड करें और लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें. और इंसान क्या है, दूसरों की गलतियों से सीखता है. तो जब ये गलतियां बाहर आप दिखा सकते हो और इफ यू शो दैट यू आर फुल ऑफ फ्लॉज एंड नॉट फ्लॉलेस. पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को फ्लॉलेस दिखाते हैं कि वी आर द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ. हां, वो वाला अंदर बहुत फ्लॉलेस दिखाते हैं बट अपने फ्लॉज जब वो दिखाना स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही आई फील कि यूथ विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम एंड वहां पे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर उभर के आएगी एंड दे विल स्टार्ट शेयरिंग विद इट. क्योंकि अगर मैं दो लोग मेरे आगे बाजू बैठे हैं, एक काफी फ्लॉलेस है, कोई गलती नहीं है उसकी लाइफ में, पूरा परफेक्ट है, दूसरा जिसमें गलतियां हैं जो वल्नरेबल है थोड़ा, मैं उससे ज्यादा कनेक्ट करूंगा सेकंड वाले से. वेरी ट्रू. सो वही चीज है कि वही बनना है पॉलिटिशियन, बिकॉज़ एक डर रहेगा ना इतना परफेक्ट इंसान से हम कनेक्ट, क्योंकि एवरीबॉडी हैज फ्लॉज. आई थिंक नहीं परफेक्ट इंसान अभी यूथ समझ गया कि फेक है. एक्चुअली फेक है वो, समझ गया. यस यस. व्हाट डू यू थिंक, कि यूथ आर मोर इन सपोर्ट ऑफ एन एक्टिविस्ट स्टेट, ऐसा लगता है? Activist statement? Are they more connected to this? Are they in support with it? When they are studying, yes. But जब वो job लगती है इनका तब उनको समझ में आता है. जब पैसा पहला जब कमाना start करते हैं कि riots करना, दंगे करना, उसके बाद मोर्चा करना, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है. There are better ways to talk to the government. So before 22, I feel a lot of people have a certain left ideology. But 22-23 के बाद वो धीरे-धीरे करके right move करना start होती है. Very true. As they age. Very true. अगर key issues की बात करें निखिल, तो what are the key issues? अगर youth और government के हम लोग अगर जुड़ाव की बात करें, तो key issues है क्या actually? आप देखो Russia Ukraine चल रहा है. हाँ. The government is pro Russia. जी. The youth is pro Ukraine. पूरा युद्ध जो है वो यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं, जो है वहाँ पे गोलियां चल रही है उसके बारे में देख देख के वो शेयर कर रहा है, सैड हो रहा है. बट गवर्नमेंट इज प्रो रशिया. सो व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज सब सर्व करो. रीजन क्या है कि व्हाई वी आर नॉट वोटिंग अगेंस्ट रशिया? तो हिस्ट्री क्या है, रशिया ने हमको कहाँ कहाँ सपोर्ट किया था? रशिया सपोर्टेड अस इन 1991-1998 में सपोर्ट किया है. रशिया हैज बीन अ फ्रेंड टू अस ऑलवेज. यूक्रेन हमारा दुश्मन रहा है हमेशा. तो वो जियो पॉलिटिक्स जब तक ये समझा नहीं पाएगी गवर्नमेंट यंगस्टर्स को, तो वो डिफरेंस रहेगा ही. फिर अब यही चल रहा है कि यूक्रेन के जो शेयर कर रही है इंडिया के लोग और गवर्नमेंट प्रो रशिया कर रहा है, वो जो इतना बड़ा गैप आ रहा है, सेम नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है. रीजन वो यही है कि इनको पता ही नहीं है, इनको वो हिस्ट्री पता नहीं है, स्टडी नहीं है. हाँ, तो वो यहाँ से आपको स्कूल में तो पढ़ाई नहीं गई, उसके बाद क्यूरियोसिटी तो कॉलेज ने मार दिया या सर्च करना और ये सब कॉलेज ने मार दिया. अब इनका ही काम बनता है फिर. तो इसमें एनईपी बहुत अच्छा एक आया है गवर्नमेंट का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो इसमें गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एडुकेट पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स एंड काफ़ी एजुकेशन जो है अभी ओपन अप हो गया है और काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया है एजुकेशन. तो ये जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद आई एम होपफुल कि यूथ एंड द गवर्नमेंट यहाँ से कोऑर्डिनेशन आ जाएगा. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ है दिखाई जाती है, पढ़ी जाती है, उस पे अग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है. ना कि उस पे स्टडी होती है, ना कि उस पे होमवर्क होता है. आजकल का यूथ खड़ा तो होता है, आवाज तो उठाता है, बट एग्जैक्ट स्टडी करके खड़ा नहीं होता है. अपनी चीजों के लिए रेज तो करता है वो, इट्स अ गुड थिंग आई थिंक, बट चीजों को समझ के अगर करी जाए
तो शायद सोल्यूशन निकले. तो मीडिया की गलती है ना उसमें. उसमें तो हम सबकी गलती है. Actually. और हम सबकी गलती यही हो जाती है कि हम लोग जो हेडलाइंस डालते हैं, हम जो आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा भड़काऊ हो जाते हैं काफ़ी बार, क्योंकि हम अपने इमोशंस डाल रहे हैं न्यूज़ में. तो न्यूज़ और इमोशंस को अगर दूर रखेगा इंसान, और तब जाके वो पब्लिश करना स्टार्ट करेगा, तब जाके फिर जो है उतना एग्रेसिव नहीं होगा. वो इतनी इमोशनल एंगल दे देते हैं न्यूज़ को. हर न्यूज़ इज़ अ फैक्ट. अब सन राइजेस इन द ईस्ट इज़ अ फैक्ट. अब इसमें अगर आप इमोशंस डाल दोगे तो वो फैक्ट फैक्ट नहीं रहेगा, वो फिर फैक्ट प्लस फिक्शन का मिक्स बन जाएगा. वही चीज इंडिया को सर्व हो रही है. देन किस तरह डिसाइड किया जाए व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट? ये जियोपॉलिटिक्स जो आपने कही, वो तो परसेप्शन है पूरा. वो तो मेन क्या है कि अब हाँ, जिसमें गवर्नमेंट को आना है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है वो गवर्नमेंट ही समझा पाए कि वही डिसाइड कर रही है पूरा का पूरा. तो गवर्नमेंट को समझाना पड़ेगा लाइक बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग विद रशिया, द इविल्स ऑफ यूक्रेन, एंड यूक्रेन ने कहाँ कहाँ हमारे साथ गलत किया था, और रशिया ने कहाँ कहाँ हमारे साथ अच्छा किया था, और फ्यूचर में भी जो है हमको अगर पीओके वापस लेना है तो कौन हमको सपोर्ट करेगा. तो ये सारी चीज जो है वो गवर्नमेंट को ही समझाना पड़ेगा. एंड सेकंड, मीडिया का रोल इसमें ये आ जाता है कि जो न्यूज हम लोग दे रहे हैं, यस इंडिया का मीडिया काफी फ्री है, इट्स अ वेरी लिबरल एंड अ वेरी गुड थिंग, बट वो फ्रीडम का मिसयूज यहाँ पे आ जाता है कि वो न्यूज को फिक्शन के साथ हम लोग मिला देते हैं काफी बार. तो वो हर चीज परसेप्शन बन गई है. रियलिटी जो चीज हमने देखी नहीं है, डोंट ट्रस्ट इट, वो वाला सीन हो गया. तो क्या लगता है गवर्नमेंट ने अपना टाइम मोर इन्वेस्ट करना चाहिए इन सारी चीजों में, या अगर हो भी रहा है तो वे आर वी लैकिंग? गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही है सारी चीजों पे टाइम. गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही है फिलहाल तो ये सारी चीजों में टाइम. इन्वेस्ट करना चाहिए एडुकेट करने में लोगों को. एनईपी तो ला रहे हैं लोग, पर इंडिया में हर चीज का इतना डीले है, और इतना डीले और डिरेल्ड वर्जन आता है हर चीज का. जब ऊपर से नीचे आते 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 पूरा वो बचता ही नहीं है, कुछ कचरा बचता है आखिर. तो वही पूरा ये चेंज जो है, दे हैव टू डायरेक्टली रीच. एंड बाकी चीजों के लिए हम जैसे राइटर्स जो है, वी राइट प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, हर चीज लिख रहे हैं हम लोग, पूरा न्यूट्रल अनबायस कंटेंट लिख रहे हैं. आई नो अ लॉट ऑफ गुड राइटर्स सर्कल में जो है, जो दिल्ली में है, बैंगलोर में, अलग अलग जगह से जो कंटेंट निकाल रहे हैं. एंड द रीजन वी ऑल आर गेटिंग रीडर्स इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि गवर्नमेंट इज थोड़ा सा लैकिंग इन एडुकेटिंग द यंगस्टर्स, तो फिर हमको वो करना पड़ रहा है. बट यस, वी आर डूइंग इट. क्या करना चाहिए एग्जैक्टली एज एन पब्लिक स्पीकर, एज एन एजुकेटर? आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का अवेयरनेस, किस तरह की चीजें रखी जा सकती हैं अब बेटरमेंट के लिए. महाशिवरात्रि कल था. हाँ. महाशिवरात्रि कल था, तो अब काफी सारे जो कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स हैं, उन लोग शिवा को गांजा से लिंक करते हैं, ड्रग से लिंक करते हैं, भांग से लिंक करते हैं. बट ऑनेस्टली इसमें ये चीज है कि भाई वो लिंक है ही नहीं. उन्होंने तो हमारे लिए विश पिया था, एंड उसके बाद अपना दैट वाज द रीज़न अर्थ सर्वाइव. सो ये छोटी सी जो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ फिर हर अलग अलग फेज में आती है. तो उनको वो एडुकेट करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ सर्टन डेज, सर्टन डेट, सर्टन ड्यूटीज. तो वो चीज़ अगर एडुकेट कर पाए हम लोग, तो दैट विल बी द थिंग जो यूथ को भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी, उनको भी नॉलेजेबल बनाएगी और एग्रेसिव कम बनाएगी. एग्रेशन गिर जाएगा उसमें. आपका रीजन राइटर भी था, बहुत सुंदर था, और महाश्वेता लॉर्ड शिवा बहुत सुंदर लिखा था, एंड इसीलिए आई थिंक द यूथ इज कनेक्टिंग टुवर्ड्स यू, एंड यू हैव सच अ गुड एंगेजमेंट, एंड यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑन इंस्टाग्राम, एंड विच इज़ वेरी गुड. डिसीजन मेकिंग में यूथ बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, एंड व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, तो ये तो डिसीजन इज लाइक एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है. बिकॉज आज के पॉलिटिशियंस भी मुझे नहीं लगता कि डिसीजंस उतने स्ट्रॉन्गली कर पाते हैं, या तो मैनिपुलेशन है, या तो बहुत सी चीजें घुमाई हैं, या तो फिर सेल्फिशनेस है. सॉरी बट दिस इज हैपनिंग एक्चुअली. व्हाट डू यू थिंक? ये देखो, डिसीजंस भी अगेन परसेप्शन पे डिपेंड करता है. डिसीजंस के लिए पहले नॉलेज चाहिए. सो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इस चीज का, इट्स लाइक यू कुकिंग समथिंग. फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज नॉलेज, और उसके भी पहले क्यूरियोसिटी. नॉलेज की जो नीड है वो अंदर से आनी चाहिए. एक बार वो आ जाती है, उसके बाद नॉलेज. नॉलेज के बाद फिर आप अपना परसेप्शन बनाओ, एंड परसेप्शन बनाने के बाद फिर डिसीजन लो. तो यूथ कंफ्यूज यही है, क्योंकि वो क्यूरियस ही नहीं है पहली बार. वो अपने टाइम वेस्ट कर रहा है बढ़िया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर करके. वीडियोस आ रहे, शॉर्ट वीडियो तो 10 सेकंड के खत्म हो रहे, 4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं लोगों के. बस बस वही है. मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होना चाहिए. बट आप क्या चाहते हैं
अगर आप उस पे फोकस करें, बिकॉज जब ये कोविड आया, कोविड ने बहुत से लोगों को चीजें सिखाई, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स इतने ज्यादा तादाद में बाहर आए, तो दे न्यू कि एग्जैक्टली क्या करना है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है. एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी एज वेल, एंड इंस्पिरेशन तो मिल ही रहा है एक हर चीज का, क्योंकि जो ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपनी बात रखनी है, तो आजकल मीडिया में आने से पहले ही सोशल मीडिया पे चीजें आ जाती हैं. मे इट भी एक कोई क्राइम ही क्यों ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ही क्यों ना हुआ, एंड बहुत अच्छी चीज है. इसी पे मैं बात करना चाहूंगी कि डिसीजन मेकिंग जब हम बोलते हैं यूथ की, अगर हम गवर्नमेंट में एक एंट्री होती है और यूथ जब गवर्नमेंट से जुड़ता है, तो व्हाट यू थिंक कि क्या ये यूथ बहुत अच्छा डिसीजन लेकर सरकार चला पाएगा? हाँ, ठीक तो जाएगा धीरे धीरे करके. उसका तो इश्यू नहीं है, बस वही है, वो जो तीन चीजें आ जाती है, क्यूरियस होना है, नॉलेज लेना है, उसके बाद अपना परसेप्शन बनाना है, ये तीन चीज, और हर आइडियोलॉजी को स्टडी करना है. ऐसा नहीं है कि एक जगह बस फिक्स होकर बैठ जाए और उसको ही पकड़ के चले गए. एंड दूसरा प्रैक्टिकल रहना है काफी ज्यादा. यूथ इज नॉट प्रैक्टिकल दीज डेज, तो प्रैक्टिकलिटी जो है वो जीरो है आज के टाइम. तो वो प्रैक्टिकल होना इनको सीखना है. तो स्कूल में सिखाया नहीं जाता था ना, गलती इनकी भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है, हमको सिखाया सिखाया नहीं गया स्कूल में. तो वो जब अभी NEP आए, उसके बाद सिखाया जाए लोगों को प्रैक्टिकलिटी ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस. एंड उसके बाद इफ दिस यंग बंच ऑफ पीपल दे आर, अब तेजस्वी सूर्या जैसे पॉलिटिशियन हो, साउथ बैंगलोर साउथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब. ही इज यंग, इज लाइक अर्ली 30s में, 31-32 हो गए, एंड ही इज डूइंग अ वेरी एक्सीलेंट जॉब. एंड द अदर, काफी सारे अदर पॉलिटिशियंस जो यंगस्टर्स है, बट द रीजन दे आर एबल टू डू इट इज क्योंकि इनका परसेप्शन, इनका नॉलेज और इनकी क्यूरियोसिटी, ये तीनों इंक्लाइन हो रही है. वेरी ट्रू. हां, व्हाट यू थिंक कि अगर युवा पीढ़ी एक सरकार बनाती है, अगर सरकार में आती है, गवर्नमेंट से जुड़ती है या पॉलिटिक्स से जुड़ती है, तो व्हाट यू थिंक क्या किन मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत है और इन चीजों पे स्टडी करके ही इन्होंने पॉलिटिक्स पे आना चाहिए? एक तो हैप्पीनेस इंडेक्स से पहले इंडिया में जरूरी है बहुत ज़्यादा. वी आर अनेबल टू डिसाइड कि कौन खुश है कौन नहीं है. मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने का जरूरत है यूथ को, एंड यंगस्टर्स को मेंटल हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया. एंड थर्ड ये हो जाता है कि अब देर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. अब काफ़ी सारे सिटीज इंक्लूडिंग आर्स, यहाँ पे क्या झगड़ा चल रहा है अभी कि पेड़ों को मत काटो, एंड वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. ऑन दी अदर हैंड पर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका शहर कैसे बढ़ेगा? अभी नागपुर का हर बच्चा जो है 18-19 के बाद शहर छोड़ के दूसरा सिटी जा रहा है जॉब करने के लिए. रीजन बीइंग यहाँ पे नहीं है अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज आने के लिए अगर वो पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो वो डिसीजन कैसे लेना है कि आपको एनवायरमेंट भी आपको प्रिजर्व करना है एंड उसके बाद आपको डेवलपमेंट भी लाना है वो एरिया में. ये डिसीजन मेकिंग जो है वो यंगस्टर ला लेगा मुझे पता है प्रैक्टिकली अच्छे से. तो दे हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट. वो बैलेंसिंग एक्ट जो है वो सीखना बहुत जरूरी है. राइट, आपने इतने स्पीचेस दिए हैं, यू हैव बीन टेडएक्स स्पीकर, अपना अच्छा मुद्दे जो हैं, डोंट यू थिंक कि एक यूथ तक पहुंचाने के लिए से कौन से मुद्दे जिनको अब भी जरूरी है बात करने की? पहले यूथ को ये प्लेटफॉर्म से सुनने में मजा नहीं आता है इनको. इनको ये नहीं चाहिए कि स्टेज पे कोई बैठा हो, आप इधर बैठे हो क्राउड में, ये क्राउड में बैठ के ओवरवेल्म हो जाता है, वो खुद को छोटा समझने लगता है. वो किसी को अगर देख रहा था उसके सामने, वो खुद को लगता है कि यार मैंने क्या किया लाइफ में, ये देखो कितना बढ़ गया. सो दैट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन यूथ. तो ये मैंने देखा ये चीज. इनको पहली बार वो लोकेशन जो है, वो चाय पी रहा है कोई साथ में, वहां पर डिस्कशन चल रहा है, वहां पर आप इंस्पायर कर दो, दिमाग में बात रहेगी. पहले चीज तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रैडर देन आपका ये वाला जो है. उसके बाद वो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सेकेंडली यूथ के जो मुद्दे हैं, मुद्दे कौन से में बात करना है, मैंने जैसे बताया था मेंटल हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट हो गया, एंड मेन क्या है, ट्रस्टिंग पीपल. एक यूथ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, दे आर अनेबल टू ट्रस्ट एनी पॉलिटिशियन. वहाँ पे हर जगह पे फ्लॉज निकालना खुद से, क्योंकि पॉलिटिशियन खुद फ्लॉलेस दिखा रहे हैं खुद को, तो गलतियाँ आप ही निकाल रहे हैं जब वो खुद नहीं दिखा रहे अपनी गलतियाँ. हाँ, तो वहाँ पे ही वो जो है यूथ को समझना है कि ही हैज टू अंडरस्टैंड कि कहीं कहीं ट्रस्ट करना भी जरूरी है, कहीं कहीं भरोसा करना भी जरूरी है. हर चीज में अगर रिबेल करेंगे विदाउट अ कॉज, वो रिबेलिंग विदाउट अ कॉज वाला जो है वो गिरा देगा सब कुछ, देश को गिरा देगा वो. डू यू थिंक ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब जो है ग्राउंड लेवल पे ध्यान नहीं दिया जाता, कई दफा देखा जाता है. तो अगर एक युवा पीढ़ी आती है तो ग्राउंड लेवल पे किस तरह की रूटिंग की जा सकती है?
ग्राउंड लेवल पे अब सिंपल ये है कि नॉलेज, अगर नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक हम सिंधी हैं एंड हमने अपना स्टेट खो दिया, हमने हमारा सब कुछ खो दिया, पूरी हिस्ट्री खो दी. 3,500 सालों की हिस्ट्री थी, पूरी खो चुके हैं. इंडिया में ना हमारे पास स्टेट है अभी, क्योंकि वो पार्टीशन में दे दिया गया था. और हम लोग रेफ्यूजी यहाँ पे आए थे, अलग अलग जगह पूरे कंट्री में सेटल हो गए. द रीज़न हमारा स्टेट वहाँ पे टूट चुका था बिकॉज हम लोगों ने वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई थी, वहाँ पे यंगस्टर्स ने आवाज़ नहीं उठाई थी. एंड वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि नॉलेज नहीं था. सो दैट इज़ द थिंग, हमारी जो गलती थी वो बाकी लोग क्यों करें, नहीं करना चाहिए ना. और वो एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है सबको, एंड यंगस्टर्स को भी वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि भाई परसेप्शन, नॉलेज, क्यूरियोसिटी. तो नॉलेज जितना ज़्यादा, ग्राउंड वर्क में भी नॉलेज को ही गेन करना ज़रूरी है. एक बार नॉलेज आ जाएगा, एक नॉलेजेबल पर्सन जो है उसे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता. वैसे पॉलिटिशियन भी डरेगा उससे, सब डरेंगे उससे. तो वो बहुत ज़रूरी है. एंड सेकेंड मनी. अब काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स है, क्रांतिकारी यंगस्टर्स जो है, सब आता है इनको करना पैसे कमाने के अलावा. एंड विदाउट फाइनेंशियल बैकअप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. तो इन लोगों को ये भी बैलेंसिंग एक्ट जैसे मैंने बताया था कि वो बैलेंस करना जरूरी है. आप फोकस इधर भी तो करना है, कहीं से तो पैसा आए, कहीं से तो कुछ कमाई हो, कुछ तो करे करियर में. तो यंगस्टर जो पॉलिटिक्स में कूद रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं पैसा और नॉलेज को फॉलो करने के अलावा. अगर ये दोनों को भी इन लोग अगर पिकअप करके बैलेंस करते हैं अच्छे से, आई एम श्योर कि दे कैन चेंज दिस कंट्री. आजकल एक नया एंगल है रेजिंग वॉइस, आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, ये सारी चीजें पड़ गई हैं. आई थिंक अब लोगों को ये लगने लगा है कि शायद आवाज उठाने से चीजें मान ली जाती हैं या चीजें अप्रूव जाती हैं. अब तो आजकल के बच्चे भी आवाज उठाने लगे हैं. कुछ नहीं होता है आवाज उठाने से, कुछ नहीं होता है. किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए, किस तरह से अपनी चीजों को. देखो आवाज उठाने से बस फायदा हो रहा है मीडिया को, अब कुछ नहीं हो रहा. हमको न्यूज मिल जा रही है कि चलो भाई यहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट, यहाँ पे शोबाजी चल रही है, तो यहाँ पे कैमरा लगा लिया, यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल्स लिख लिए. तो मेरा एनवाईके में आर्टिकल्स आ गए 5-6 जो इन लोगों की आवाज़ें सुन के. कुछ नहीं होने वाला इससे. मेन क्या है, इसका नॉलेज ही नहीं. अगर पीछे इनके पास तो न्यूज तो डाई डाउन हो जाएगी 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन न्यूज डाई डाउन, कोई याद नहीं रखेगा. जिन लोगों ने आवाज़ उठाया अंदर राइट केस में, अंदर जाएंगे राइट पुलिस ले जाएगी उनको. तो जब खत्म हो गया उनका करियर भी खत्म हो गया, दूसरा आवाज उठा के कोई फायदा भी नहीं हुआ, शोबाजी बस हो गई. तो मेन के वो रीजिंग वॉइस जो है वो इट हैज टू बी बैक विद नॉलेज. एंड आपको आवाज लाउड नहीं करनी है रीजिंग वॉइस का मतलब. Actually, इसका मतलब मुद्दे की बात करनी है, मुद्दे की बात करनी है और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है एंड टू द राइट ऑडियंस. एंड द राइट ऑडियंस सोशल मीडिया में तो काफी सारा अभी अवेलेबल है ही. उसके अलावा अगर आप ऑन ग्राउंड पे अगर देखते हैं आप, तो अगेन वो स्टेज पे बैठ के नहीं करनी है, सर्कल में करनी है. सर्कल में करनी है, रूट कहीं ना कहीं उनसे जुड़ के बात करनी है, द राइट पर्सन से बात करनी है. और जिस तरह आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि स्टेज पे स्पीच देकर ये सारी चीजें नहीं मोटिवेट की जा सकती. आप लोगों को से अगर आपको जुड़ना है तो लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, विच एक्चुअली पॉलिटिशियंस स्टिल हैव टू डू दिस. ये क्योंकि सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पर अगर ये चीजें होती और ये तो अब जनता भी बहुत समझ चुकी है कि क्या होता है, कैसे होता है. तो आई थिंक अगर आपको अपने मुद्दे रखने हैं तो आपको करेक्ट पीपल के साथ एक अच्छा एक सराउंडिंग बनाकर उन लोगों के साथ जुड़कर रहना है. राष्ट्रीय पुरस्कार के पास आऊंगी कि आपको 2019 में ये पुरस्कार मिला, व्हाट वाज दैट एंड किस तरह से किस फीलिंग रही इतनी जर्नी और यहाँ तक पहुँचना. मैं तो अवार्ड को अवॉइड करने लग गया था, अवार्ड्स को लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग फीलिंग आ जाती थी. तो अगेन काफ़ी सारे एडिक्शन होते हैं लाइफ में लोगों को, तो फेम भी एक एडिक्शन होता है लोगों को. उस चीज़ से मेरे को दूर हटना था हमेशा. तो ये चीज़ भी थी, एक अभी पढ़ा है घर पर कहीं ट्रॉफी जो है. उसके बाद फोकस बस यही है कि लिखो लिखो, कंटेंट डालो. एंड उसके बाद बैकअप है बिजनेस का जो कर रहा हूँ, उससे फाइनेंस थोड़ा बैलेंस हो रहा है. प्लस मेन नॉलेज पढ़ो लिखो एंड फॉरवर्ड इट टू द ऑडियंस. जी, आप इतने इंस्पायरिंग स्टोरीज, इतने आर्टिकल्स लिखते हैं टू इंस्पायर द यूथ और एक टू एडुकेट द यूथ. आप पर्सनली क्या करना चाहते हो, किस तरह से कर रहे हैं और क्या करेंगे आगे? नहीं, अभी तो लिख ही जा रहे हैं. अभी तो मज़ा आता है. सुबह 5 बजे मैं एक पोएम डालता हूँ एंड दिन में 4 से 5 बजे के बीच एक आर्टिकल जाता है मेरा. तो 1,000 वर्ड्स का आर्टिकल डेली जा रहा है एंड डेली ये जा रहा है. मैं बस डाल के छोड़ देता हूँ, फोन को बाजू में रख देता हूँ और शेयर अच्छे आ रहे हैं. लाइक आर्टिकल्स में 20-25,000 पीपल आर शेयरिंग इट एंड रीच 1 मिलियन तक जा रही है. धीरे धीरे वो ग्रो होते जा रहा है. तो वो छोटी सी चीज किक दे रहती है कि एक पुश देती है टू राइट मोर एंड टू फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग कंटेंट.
सो वो धीरे धीरे करके वो कंटेंट जो क्रिएट होते जा रहा है. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो. एंड योर फर्म इटसेल्फ हैज अ वैल्यूएशन ऑफ 4.5 मिलियन यूएसडी आई थिंक, राइट? एंड व्हिच इज डूइंग फैंटास्टिक. आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह के वो टॉपिक्स होते हैं, किस तरह टॉपिक्स निकलते हैं कि हाँ आज इस टॉपिक पे लिखना चाहिए. अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल. छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ. अपना रामटेक है. हाँ. यहाँ से जो 1.5 घंटा दूर है अपना रामटेक. रामटेक में श्री राम खुद आए थे वहाँ पे. उनका इतना लेजेंडरी हिस्ट्री है. यहाँ के भी लोगों को पता नहीं है. इवन नागपुर के लोगों को पता नहीं है. नागपुर में गोंड ट्राइब है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्राइब है. उसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि वो गोंड ट्राइब जो है वहाँ से गोंडवाना लैंड जो वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया के बाद उसका नाम दिया गया था. एंड सेंट्रल इंडिया का जो डेफिनेशन ही पूरा था वो गोंड ट्राइब से आया था. लोगों को वो सारा नॉलेज था नहीं. तो उसके बारे में जब मैं पढ़ना चालू किया, पहले लोगों से मिला, मैंने बात बात की अच्छे से, उसके बाद रिसर्च पेपर मैंने देखे, तो मैंने रियलाइज़ किया इतना सारा कंटेंट है और ये रॉ कंटेंट है, कहीं तक पहुँचा नहीं है किसी के पास. तो इट फेल्ट लाइक अ पीस ऑफ फर्टाइल लैंड जहाँ पे आप कुछ भी उगा सकते हो. तो उसको मैंने फिर लेके लिख दिया था, हिस्ट्री, गोंड की हिस्ट्री, उनका कल्चर, उसके बाद अपना ये रामटेक की हिस्ट्री, रामटेक का कल्चर पूरा. सो वो लिखने के बाद क्या हुआ कि ASI से मुझे मैसेज आया. अच्छा. एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द डिप्यूटी डायरेक्टर्स ASI के. एंड उन्होंने मुझे बोला कि यार कोलैबोरेट करोगे. मैं बोला क्या कोलैबोरेशन चाहिए. एंड दे आर रिस्टोरिंग वन ऑफ द रामटेक का प्लेस. अच्छा. हाँ, टेम्पल के बाजू का जो स्ट्रक्चर है उसको रिस्टोर कर रहे हैं. एंड आई गॉट सरप्राइज वेल बाउंड कि भाई ये आर्टिकल यहाँ पढ़ा गया और इधर तक पहुँचा गया. एंड देन फिर मैं टॉपिक्स वैसे चूज करने लगा कि टॉपिक्स जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जो एवरीडे टॉपिक्स है, लाइक जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स हो सकते हैं रशिया यूक्रेन वाले, या तो फिर कोई बिल्कुल साइड टॉपिक्स हो सकते हैं. अपना सिंध का हिस्ट्री था जो, एंड पार्टीशन के 1000 साल पहले का हिस्ट्री था जो, तो पता नहीं था लोगों को. एंड वही चीज मेरा फिर निकलता है. बेस्ट सेलिंग 14 बुक्स आर अंडर यू. इसके बाद कोई बुक आ रही है? आर यू इनटू सोशल मीडिया ओनली, यही राइटअप्स करने, या फिर कोई बुक की तैयारी भी है? लोग तो सब बोल रहे हैं किताब लिखो बेचो. देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो पढ़ता है आज भी. नहीं, मेरे को फ्री में देने में मजा आता है कंटेंट अभी. ओके. अभी क्या कंटेंट जो है फ्री में देने में मजा आता है. हर 15 दिन में मैं एक किताब लेवल का कंटेंट में लिख देता हूँ जिसमें किताब बन जाए. बट वो फिर मैं डेली तो डेली जो है वो फ्री में देता रहता हूँ फिलहाल. तो फ्यूचर में कंपाइल दिस आर्टिकल्स एंड पब्लिश इट. ओके. तो उसको मैं धीरे धीरे करके कंपाइल करके पब्लिश करना स्टार्ट करूंगा. ओके. इट वाज सो फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू. एंड लास्टली, आप हमारे यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को हमारा जो ये है नागपुर है, तो नागपुर इज एवर ग्रोइंग सिटी. इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है. राइट नाउ इज द टाइम टू बी पेशेंट. अब पेशेंस बहुत जरूरी है. एंड इफ द यूथ इज पेशेंट एनफ, सोने की चिड़िया बन जाएगा ये शहर. थैंक यू सो मच निखिल फॉर योर प्रेशियस टाइम. सो जैसे कि निखिल ने कहा कि पेशेंस इज द पावर, ये जिंदगी में हर किसी के लिए जरूरी है. आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, बहुत ज्यादा चीजों को बहुत जल्दी चाहती है. अगर आप थोड़ा सा इंतजार करें, कहते ना एक कोट भी बना हुआ है कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो सच में होता है. थोड़ा इंतजार करके देखिए, थोड़ा पेशेंट रह के देखिए. अग्रेशन, ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजों को बिगाड़ देती हैं और आपको अपने ट्रैक से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है. सो जो आपको चाहिए, आज काम नहीं बैठिए, एकदम ध्यान से सोचिए कि आपको चाहिए क्या, आप क्या करना चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए. थोड़ा सा इंतजार, फिर देखिएगा कि यू विल बी एक्चुअली बी सक्सेसफुल विद फ्लाइंग कलर्स. आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ. तब तक लिए बाय बाय.